नमस्कार, मैं प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आजकल सफलता के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। इसी विषय को लेकर आप लोगों का आपके अपने चैनल एक सफल मेरे साथ में हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति सफलता तो चाहता है, सफलता उनको मिल भी जाती है, परंतु वह सफलता कैसी हो। हर व्यक्ति यह चाहता है कि जहाँ भी वह जाए उसका स्वागत अच्छी तरह से होना चाहिए, उसको वहाँ पर अच्छे अच्छे कमेंट मिलने चाहिए। तो यह कैसे पॉसिबल है, वही चीज़ हम आज आपको बताने जा रहे हैं। हमारी सफलता में जो सबसे बड़ा एक पत्थर है, या कह सकते हैं रुकावट है, वह है कि हम लोग आजकल एक दूसरे में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं। समाज में ऐसे व्यक्ति जो एक दूसरे के बारे में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, वो सबसे बड़े रुकावट हैं इस संसार की सफलता। वो बहुत बड़ी कठिनाई उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उनको हमेशा केवल अपना ही सुख चाहिए। तो हमें एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, एक दूसरे में दिलचस्पी लेनी चाहिए, तभी हम सफल होंगे। जो व्यक्ति एक दूसरे के बारे में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, वो ही अक्सर असफल हो जाते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि इस संसार में केवल एक ही ऐसा प्राणी है जो केवल देता नहीं है हमको कुछ भी, जैसे डॉगी, एक कुत्ता होता है, वो हमको कुछ नहीं देता है, बाकी सबको देना पड़ता है कुछ ना कुछ। जैसे मुर्गी अंडा देती है, गाय दूध देती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुत्ता केवल हमको प्यार देता है बिना किसी स्वार्थ के, वह ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसको थोड़ा सा प्यार देने से, उसमें थोड़ी सी दिलचस्पी लेने से। दूसरों में रुचि लेकर आप 2 महीनों में वह सफलता हासिल कर सकते हैं जो आप 2 साल तक दूसरों को अपने में दिलचस्पी लेने के लिए पैदा करने में लगाते हैं। तो दिलचस्पी लेना इतना बड़ा और इतना अच्छा रास्ता है सफलता का, आपको हर क्षेत्र में सफलता दिला सकता है। परंतु हम आजकल देखते हैं कि अधिकतर लोग यही कोशिश करते हैं कि दूसरे लोग हम में दिलचस्पी लें। आजकल लोग बाग आप दिलचस्पी क्यों लेंगे, वो तो अपने में ही इतने मस्त हैं, वो अपने बारे में ही सोचते हैं। एक टेलीफोनिक सर्वे ने यह खुलासा किया कि 500 कॉल्स में जो चर्चाएं हुई, उनमें 4000 बार केवल एक वर्ड्स का यूज हुआ, वह क्या है आप सब समझ गए होंगे, वह है मैं। मैं शब्द की आवृत्ति 5000 बार हुई। तो सब लोग अपने बारे में ही सोचते हैं। अब आप किसी ग्रुप फोटोग्राफ को ले लो, या कोई साथी के एल्बम को ले लो, उसमें सब लोग क्या सर्च करेंगे, केवल मैं कहाँ हूँ। तो जब तक हम एक दूसरे में दिलचस्पी नहीं लेंगे, तो हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, या सफलता का जो मूल्य है वो हमारे अंदर नहीं आ सकता। और मैं आपको बताता हूँ कि एक दूसरे में दिलचस्पी कैसे ली जाती है। जैसे कोई अनजान व्यक्ति ही है, उससे आप बात कर रहे हैं, तो आप उससे बातों बातों में उसकी जन्मतिथि ज्ञात कीजिए, और जब उसका बर्थडे आए तो उसको जन्मदिन की मुबारकबाद दो, देखिए क्या होता है।
आपकी इतनी सी दिलचस्पी ने उस बंदे के अंदर जितना प्यार आपके प्रति भर दिया, वो सफलता शायद ही किसी को मिले जो वो सफलता उस दिन आपको मिल गई। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, जब भी आप किसी से मिलो, गर्म जोशी से मिलो, उसका हाल चाल पूछो, उसके नियर एंड डियर का हाल चाल पूछो, जब वह आपको अपने दिल की बात बताएगा, वह है सफलता। तो इस सफलता को प्राप्त करो, एक दूसरे में दिलचस्पी लो, एक दूसरे का हाल चाल पूछो, एक दूसरे के बारे में जानो और सफल व्यक्ति बन जाओ। जब आप किसी दूसरे के पास नहीं जाओगे, नहीं बैठोगे, नहीं उठोगे, उसके सुख दुख में साथ नहीं दोगे, तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? यह विचार करो और सोचो, समझो, सब आपके अंदर छिपा हुआ है। चलिए, मैं सोचता हूं कि आज से आप सब लोग एक दूसरे में दिलचस्पी लेंगे। मुझे भी जानिए, मुझ में दिलचस्पी लीजिए, मैं आप में दिलचस्पी ले रहा हूं, तभी तो हमारा सफर चल रहा है। अदरवाइज कोई भी सफर पूरा नहीं होता। चलिए, इसी सफर को कल फिर पूरा करेंगे। मैं प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।